हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक केस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयर फोर्स के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकालेगी, कोई भी एप्लीकेशन पे नहीं रखी गई है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, सारी डिटेल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो, सीधा चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आ चुके हैं, जो कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे आपकी वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट में पोस्ट है, जो कि आपके यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। अगर आप स्टेनो ग्रेड सेकेंड पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एड्रेस आपको दिया गया, तो ऑफलाइन वे में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, इसी एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी के सामने एड्रेस आपको दिया गया, उसी पे ऑफलाइन फॉर्म आपको यहाँ पे सेंड करना होगा, जिसका कि परफॉर्मा इसी नोटिफिकेशन के नीचे अटैच किया गया है। आपको यहाँ पे लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए आगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जानकारी आपको देखने को मिल जाती है एप्लीकेशन फॉर्म में। यहाँ पे एड्रेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा एड्रेस आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इसी तरह से नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ट्रेनिंग कमांड यूनिट्स में आपकी कितनी वैकेंसीज निकालेगी, कौन कौन सी पोस्ट है, एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह से देखते हैं तो सेंट्रल एयर कमांड यूनिट में वैकेंसीज निकाली गई है। आप यहाँ पे पोस्ट एड्रेस आपको देखने को मिलता है, नेम ऑफ द पोस्ट आपको देखने को मिलता है, नंबर ऑफ पोस्ट, और यहाँ पे दिया गया कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं साउदर्न एयर कमांड यूनिट में वैकेंसीज निकाली गई, जैसा कि आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम आपका एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप SC है तो 5 साल की छूट मिल जाती है आपको एज में, और यहाँ पे OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी। एज की यहाँ पे काउंट कब किया जाएगा तो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म का उसी के अकॉर्डिंग काउंट होगा। तो 3 अप्रैल से यहाँ पे स्टार्टिंग है और 2 मई तक आप यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पोस्ट नेम पे सबका क्या रहने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस क्या मांगा गया पोस्ट पे यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथमेटिक्स में या फिर स्टैटिक्स में, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में मांगा गया है। सेकेंड पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया, तो एसेंशियल का मतलब है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए एसेंशियल, डिजायरेबल का मतलब अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगा, अगर नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बस आपको होना चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में तो अप्लाई कर सकते हैं, डिजायरेबल तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको मिल जाए। अगला है आपको यहाँ पे स्टेनो ग्रेड सेकंड की पोस्ट 12 क्लास वाले अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे स्किल टेस्ट नॉर्म्स दिया गया है, ट्रांसक्रिप्शन दिया गया तो यहाँ कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं, LDC में 12 क्लास पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट की बात करें 12 क्लास के साथ साथ आपके पास यहाँ पे टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। स्टोर कीपर की बात कर लेते हैं तो आप इस क्वालिफिकेशन 12 क्लास वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में अगर बात करते हैं तो अगर आप मैट्रिकुलेशन पास हैं या इक्विवेलेंट तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपके पास वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए ड्राइविंग का, और यहाँ पे मोटर मैकेनिज्म का भी नॉलेज होना चाहिए, और मिनिमम 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल में। इसी तरह से कुक ऑर्डरी ग्रेड की अगर बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए। पेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया 10th पास के साथ साथ यहाँ पे ITI के सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप यहाँ पे एक सर्विस मैन है अप्रोप्रिएट ट्रेड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर की बात करते हैं तो 10th के साथ साथ यहाँ पे ITI के सर्टिफिकेट आपके पास रिलेटेड में होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। आया या फिर वार्ड सहायिका की बात करते हैं तो 10th वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाउस कीपिंग स्टाफ की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं। हाउस कीपिंग स्टाफ HKS की बात कर लेते हैं तो मैट्रिकुलेशन अगर आपने पास किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ड्री की बात करते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में दिया गया कि 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। मेस स्टाफ की बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS की बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन यानी 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैनेसर की बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रेलर की बात करते हैं तो इसके लिए 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ITI के लिए आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे जो है टीन स्मिथ की बात करते हैं तो इसके लिए 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हो। साथ में ITI की डिग्री होनी चाहिए। और कूपर स्मिथ एंड सीट मेटल वर्कर्स की बात कर लेते हैं तो इसके लिए 10th साथ ITI की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। फायरमैन की बात करते हैं तो इसमें मैट्रिकुलेशन आपके पास होने चाहिए, उसके साथ ही आपके पास यहाँ पे ट्रेनिंग होना चाहिए फायर फाइटिंग में। और यहाँ पे आपके पास जो है फिजिकल एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा, तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे किया जाएगा। फायर इंजन ड्राइवर की बात करते हैं तो इसके क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि एटलीस्ट कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस हेवी व्हीकल का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
आगे यहाँ पे डिजायरेबल अगर आपके पास है तो एक्स्ट्रा फैंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरह से आप यहाँ पे फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में देख सकते हैं, 10th क्लास पास होनी चाहिए, साथ में आईटीआई की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया ट्रेड्समैन मेट में, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन पास वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे है आपका लेदर वर्कर के लिए, तो 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आईटीआई की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। टर्नर की बात करते हैं, यहाँ पे 10th के साथ आईटीआई की डिग्री मांगी गई है। वायरलेस ऑपरेटर की बात करते हैं, यहाँ पे आपका आईटीआई की डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और 2 साल के साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आगे यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन दिया, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट सबसे पहले होने वाला है, जिसमें कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में देखने को मिल जाता है। रिटन टेस्ट में जितने भी कैंडिडेट सफल हो जाएंगे उनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा स्किल, फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। बात करते हैं लास्ट डेट की, तो यहाँ पे 2 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कहते हैं कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं उस वैकेंसीज में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन वे में, जिसका कि जो है आपका परफॉर्मा इसी नोटिफिकेशन के नीचे अटैच किया गया है। तो 2 मई तक आप उस पे फॉर्म को सेंड कर सकते हैं फिल करके। उसको क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश या हिंदी में टाइप करवाना है और उसको फिल करके जो है सेंड देना है। और जितने भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका डॉक्यूमेंट, या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल हो, सेल्फ अटेस्टेड करके और साथ में सेंड करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के। अगर आपको नहीं पता सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हो, तो सिंपली आई बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आगे यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखेगी, लेकिन जब आप यहाँ पे पोस्ट के द्वारा माध्यम से सेंड करेंगे तो उसके ऊपर एनवेलप के ऊपर आपको 10 रुपये का यहाँ पे जो है आपको स्टाम्प लगाना होगा, और लिखना होगा कि एप्लीकेशन आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको साथ में सेंड करने होंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए गए हैं। कोई भी TAD आपको नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। बाकी यहाँ पे COVID-19 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इस बारे में आप पढ़ लेंगे। परफॉर्मा जो है एप्लीकेशन फॉर्म का आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसी परफॉर्मा में आपको टाइप करवाना है और उसको सेंड करना है, और इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फिल करना है कि एप्लीकेशन आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, किस यू में अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, एक से ज्यादा यूनिट में, तो सेपरेट आपको जो है अलग अलग फॉर्म यहाँ पे फिल करके सेंड करना होगा। यहाँ पे पोस्ट किस पोस्ट पर अप्लाई करना है, यहाँ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगाना है, एज अपना लिखना है, इसी तरह से एड्रेस, यहाँ पे सारा डिटेल आपको जनरली आपको जो भी डिटेल दिया गया सभी डिटेल्स को आपको फिल करके और सेंड कर देना है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।